हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजकिशोर सर आप सभी को यूट्यूब चैनल पर मैथ दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 11वीं और 12वीं क्लास का मैथ और फिजिक्स का यानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का किताब मैं अच्छी तरीके से लाइन बाई लाइन आपको पढ़ा दूंगा। दोस्तों, अभी 12वीं क्लास का आपको फिजिक्स मैंने चालू कर दिए हैं और इसी साथ ही साथ दोस्तों आज से हम मैथ भी शुरू कर दे रहे हैं। और दोस्तों, मैथ में बिल्कुल आसान टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आप इसका दो इस चैप्टर के लिए दो थ्योरम का दो टॉपिक थ्योरम का बताऊंगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी का लाइन से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना शुरू कर देंगे बुक से। आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि जो मैथ का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है मैट्रिक्स। जानते हैं दोस्तों, आपको ये मैट्रिक्स नाम सुनकर आपको लगता होगा कि क्या है, चूँकि कोई भी व्यक्ति जो टॉपिक नहीं जानता है तो उसको फर्स्ट बार नाम सुनने के बाद लगता है कि कितना बड़ा इसका रूप होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप दो मिनट तक इस वीडियो में बने रहिए, आप मैट्रिक्स का लेवल क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का कोटि क्या होता है और मैट्रिक्स का प्रकार क्या होता है, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम एक टॉपिक आज आपको बताना शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है दोस्तों आबीहू, जिसका नाम है आबीहू। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आबीहू को अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों, आबीहू को अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। जानते हैं दोस्तों मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल आसान, मैं आपको मैट्रिक्स बता दूं ना, फिर आप लाइफ में कभी मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, आप एकदम सिंपल तरीके से बता सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैट्रिक्स क्या होता है यानी आबीहू क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आबीहू एक अरेंजमेंट है, आबीहू एक व्यवस्था है जो पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजी होते हैं। दोस्तों, आबीहू को एक बार रिकॉल और कर लेते हैं कि आबीहू एक व्यवस्था है, यानी आबीहू क्या है, यानी आबीहू एक व्यवस्था है जो पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजे होते हैं। आइए दोस्तों, जो आबीहू होता है, पहले आबीहू का सिंबल पर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल आसान। जानते हैं इसका सिंबल क्या है? यानी दोनों तरफ से बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ये आबीहू का सिंबल है। या आप पुराना किताब निकाल कर देंगे देखेंगे ना, तो आबीहू का सिंबल ऐसा भी दिया जाता है। दोस्तों, ये भी आबीहू का सिंबल है, या ऐसे भी आबीहू का सिंबल के रूप में हम दे सकते हैं। और जो आबीहू होता है ना, यानी आबीहू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे दोस्तों, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे दोस्तों लिख दूं कि लेट ए बराबर, कोई आबीहू ए बराबर ले लिए 1 2 2 3, तो इसमें बहुत बहुत कुछ आपको बताएंगे, सब बीमारी आपका यहीं से दूर हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे दोस्तों, अगर ये हम समझ लेंगे अच्छे तरीके से ना, तो आगे जितना भी प्रॉब्लम बनाने को आपको मिलेगा ना, बहुत आसान तरीके से आपको लगेगा कि कितना आसान है, और आप बना भी पाएंगे और काफ़ी आपको उम्मीद भी बढ़ जाएगा। कब? जब आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब। दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि सीढ़ी है, और सीढ़ी पर पहला स्टेप पर न चढ़े, डायरेक्टली दूसरे स्टेप पर चढ़े तो काफ़ी दिक्कत होगा और हो सकता है कि हम गिर भी सकते हैं। तो ये समझ जाइए कि हम पहले सीढ़ी के पहले ही कदम पर आपको चढ़ा रहे हैं। तो अगर इस पर आप इसको समझ में आपको आ गया ना, तो अगला क्वेश्चन को तो आप गर्दा उड़ा देंगे। जानते हैं कैसे? इसमें देखिएगा, जैसे कि आबीहू का संकेत बताएं कि दोनों तरफ से बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब देखिएगा, आबीहू की परिभाषा को इसी पर समझाएंगे आपको, यानी आबीहू की परिभाषा कहता है कि आबीहू एक अरेंजमेंट है, आबीहू एक व्यवस्था है जो पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजे होते हैं। नाम दो आता है यहां पर, देखिएगा दो चीज इसमें जरूर आएगा, पंक्ति आता है, यहां पर हमने पंक्तियां लिख दिए, पंक्ति आता है और स्तंभ आता है। इसको समझिए, ये पूरा तक यानी डिटरमिनेंट्स तक आगे जो नया चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, ये सब में दो गो महाराज जी आते रहेंगे, और इन दोनों
का रिलेशन आते ही रहेगा, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन जोड़कर ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए पंक्ति जो होता है ना दोस्तों, इसमें बताऊंगा कि पंक्तियों की संख्या कितना है, इस व्यूह में स्तंभों की संख्या कितना है। यानी तो पंक्ति को अंग्रेजी में हम जानते हैं क्या कहते हैं, जानते हैं दोस्तों रोज कहते हैं, रो कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और रो के लिए सिंबल यानी पहला अक्षर आर है, तो यहां पर आर का प्रयोग करते हैं। और स्तंभ को जानते हैं अंग्रेजी में कॉलम्स कहते हैं, और यहां पर सी है तो पहला लेटर सी से सूचित करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह एक व्यवस्था है जो पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजे होते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, जो अवयव एक और ये दो है, यही आपका पंक्ति है, इधर से आपका पंक्ति है, यानी पंक्ति है तो ये तो पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति होगा। तो पंक्ति के लिए आर इंडिकेट किए तो पहला पंक्ति है, तो यहां पर आर वन देंगे, यानी आर वन पंक्ति हो गया। तो इस पंक्ति में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो मूल रूप से एक आएगा और दो आएगा। दोस्तों बता सकते हैं कि ये तो आर वन पंक्ति हो गया, और ये कौन सा पंक्ति हो गया, आर टू पंक्ति हो जाएगा, ये दूसरा पंक्ति होगा। और दूसरे पंक्ति में बता सकते हैं कि कौन कौन से यानी अवयव होगा, जरूर बता सकते हैं, दो होगा और तीन होगा। तो ये रहा पंक्ति, मतलब इधर से रहा आपका पंक्ति। तो आपको तो पंक्ति समझ में आ गया कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या इसमें दो है, और पहले पंक्ति में कौन कौन से अवयव है, तो पहले पंक्ति में एक है और दो है, फिर दूसरे पंक्ति में कौन से अवयव है, तो दो है और तीन है। दोस्तों एक बात और, पंक्ति आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा रहा स्तंभ है, स्तंभ को अंग्रेजी में कोलम्स कहते हैं, और कोलम्स कहते हैं, और इसे सी से सूचित करते हैं। तो ये पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर सी वन लिखेंगे, और ये दूसरा स्तंभ है, यहाँ पर सी टू लिखेंगे। आप बता सकते हैं क्या कि सी वन यानी स्तंभ में कौन कौन से अवयव होंगे, तो एक होगा दो होगा। सी टू में कौन सा होगा जी बताइए, तो दो होगा और तीन होगा। तो मूल रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें यानी पंक्तियों की संख्या एक और एक दो, स्तंभों की संख्या कितना होगा जी, एक एक दो हो गया। और इसमें अवयव कौन कौन से है, तो इसमें अवयव कौन कौन से है, एक है, दो है, तीन है, चार है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आव्यूह में पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। और दोस्तों इसके बीच में कॉमा चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक क्रम विन्यास होता है। तो आइए इसको हम यहां से मिटका देते हैं। अब एक देखिएगा, इसे बड़ा रूप, जैसे यहां पर लेट आव्यूह बी मान लेते हैं, अरे देखिएगा ये डेंजर है, दो चार छ तीन दो एक एक दो तीन, ये देखकर आप वीडियो छोड़कर भागना मत शुरू कर दीजिएगा। आप बताएंगे हमें इसमें, आपसे पूछ दे तो ये क्या है, पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति है, तो पंक्ति के अंग्रेजी में रो, तो ये क्या होगा, आर वन होगा। ये दूसरा क्या होगा जी, पंक्ति होगा, दूसरा पंक्ति के लिए यहाँ पर आर टू लिखेंगे, ये क्या होगा, तीसरा पंक्ति होगा, तीसरा पंक्ति के लिए क्या लिखेंगे, आर थ्री लिखेंगे। तो दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा कि आर वन पंक्ति में कौन कौन से अवयव होंगे। सोचो देखिएगा कौन कौन से होगा, दो होगा, चार होगा, छ होगा। दूसरे पंक्ति में बताइए ना कितना होगा, तीन होगा, दो होगा, एक होगा, बोलिए आर थ्री। आर थ्री में क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा। तो पंक्ति और स्तंभ भी होता है, तो ये क्या होगा, पहला स्तंभ C1 चूंकि कलम से होता है, ये C2 और ये रहा C3। और एक बात और बताइएगा, इसमें पंक्तियों की संख्या कितना कौग होगा जी, बोलिए तो पंक्तियों की संख्या कौग होगा,
तीन गो और स्तंभों की संख्या कौ होगा, तो स्तंभों की भी संख्या कौ होगा तीन गो, यही रहा उत्तर। तो दोस्तों मुझे लगता है ना कि अब आप आबिहू में पंक्ति और स्तंभ आप आराम से बता सकते हैं, और पंक्ति में कौन कौन से अवयव आएंगे और स्तंभ में कौन कौन से अवयव आएंगे इसको आप आराम से देख सकते हैं। सबसे दोस्तों जानना यही जरूरी था पंक्ति और स्तंभ, यही आपको अच्छी तरीके से आपको समझना जरूरी था, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप डिटरमिनेंट्स तक आप निफिक्र होकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको केवल मजा आएगा बनाने में। तो आते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों इसको तो हमने यहां से मिटका दिए, अब जानते हैं दोस्तों दो नंबर बातें देखिए, एक खास बात है इसी पर टिका है, ये समझ है कि आबिहू का नेव है, ये क्या है जी, आबिहू का नेव है, नेवे कमजोर रहेगा घर गिर जाएगा देहे पर, दबा जाइएगा तो समझे कि आप बिहू में ये नहीं समझे तो बिहू का क्वेश्चन आपको दाब देगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत ना हो। आइए आप बिहू की कोटि के बारे में समझेंगे। आप बिहू की कोटि जानते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप बिहू के कोटि जानते हैं, आबिहू की कोटि समझ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन इस पर पूछता है, यानी आबिहू का कोटि क्या होता है जानते हैं। अगर यहाँ पर कोई आबिहू दिया है 1, 2, 2, 3 तो इसमें तो सीख गए कि इसमें कितने पंक्तियों की संख्या है और कितने स्तंभों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या कितना है 1, 1, 2 तो यहाँ पर 2 आगुने, स्तंभों की संख्या कितना 1, 1, 2 तो यहाँ पर 2 तो 2 × 2 कोटि का ये आबिहू है। ये आबिहू जो ये है कितने कोटि का आबिहू है, 2 × 2 कोटि का आबिहू है। यानी दोस्तों एक बात याद रख लेना, इसमें पंक्तियों की संख्या को एम मान लेते हैं, पंक्तियों की संख्या को एम मान लिए, स्तंभों की संख्या को हमने एन मान लिए, तो m × n कोटि आबिहू का कोटि कहलाता है। तो पहले आपको स्तंभों की संख्या गिनना है और दूसरा आपको पंक्तियों की संख्या गुना गिनकर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, उतना ही यहां पर मल्टीप्लाई ऐसे 4 नहीं होगा, ये ऐसे ही रखेंगे 2 × 2 कोटि का ये क्या होगा आबिहू होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके ऊपर देखिए, आप बताएंगे भाई कितना कोटि का आबिहू होगा, तो याद रखिए एम क्या है, यहाँ पर m × n होगा, यहाँ पर m × n होगा, यानी m क्या है पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या गिनिए ना 1 और 1, 2 आ गुणे स्तंभों की संख्या 1, 2, 3 कितना है 3, यानी 2 × 3 कोटि का आबिहू होगा। दोस्तों एक और बताइए, ये तो आप गर्दा उड़ा देंगे मुझे विश्वास से बताकर, अरे देखिए हाई कितना कोटि का आबिहू होगा, तो जानते हैं दोस्तों इसमें स्तंभों की संख्या 3 गो है, आप पंक्तियों की संख्या देखिए तो 3 गो दिखाई देता होगा 1, 2, 3 3 × 3 कोटि का आबिहू है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कोई भी आबिहू दिया रहे और आपसे कोई भी प्रश्न कर देना कि कितना कोटि का आबिहू है, आप फटाक देना बताएंगे कि इतना कोटि का आबिहू है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि आबिहू की कोटि क्या है, और कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे तो आप बता सकते हैं कि कितने कोटि का आबिहू है। अब आइए दोस्तों ये भी आप सीख गए, अब देखिए आबिहू के कुछ लिखने के अवयव के तरीके बता रहे हैं, जैसे कि आबिहू के अवयव, आबिहू के अवयव जानते हैं, आबिहू की अवयव 2 × 2 के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर कोई आबिहू है तो यहाँ पर आबिहू लिखते निरूपित करते a11 से, तो हई a हई आपको यहाँ पर देखेंगे हई जो एक है ना, यानी सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, आबिहू का गणितीय रूप तब ये जाकर और मजा समझ में आएगा, यानी a बराबर होता है aij आगुने m × n होता है, ये आबिहू का गणितीय परिभाषा हो गया, यानी पहला i होता है दूसरा j होता है। यानी अब देखिएगा आबिहू यहाँ पर ले ले
तो यहाँ पर लिखना हो तो A11 लिखेंगे, चूँकि I के जगह पर एक है या J के जगह पर भी एक है। A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A21 हो जाए, 21 से शुरू करते हैं, A22 से लिखेंगे, A22 के बाद 23 लिखेंगे, फिर उसके बाद 31 से लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा 32 आएगा, उसके बाद 33 आएगा। दोस्तों जानते हैं कितने कोटि का व्यू है, बताओ बताइए कितने कोटि का व्यू है, बता सकते हैं इधर से 3 और इधर से 3, 3×3 कोटि का व्यू है। दोस्तों ये सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देगा कहेगा कि 3×3 कोटि के व्यू की रचना करें, और इसके लिए आपको ए बराबर इस रूप में कोई आपको दिया रहेगा यानी व्यू। तो चलिए दोस्तों अगर एक चीज बताइए, 2×2 के रूप में लिखना होगा तो बी अभी हुए, तो यहां से बी से लिखिए B11 आ, इसके बाद क्या आएगा B12, ठीक है 2×2 के लिए। आप फिर यहां से अगर शुरू करना हो तो बी कितना होगा 21 और यहां पर कितना होगा B22, ये 2×2 कोटि का अभी हुआ है। अब एक बताइएगा अभी हूं ए बराबर हम ऐसे कर दें, यानी यहां पर 2×3 कर दें, 2×3 कोटि की रचना करना है, तो इधर से 2 आ इधर से 3 ऐसे कर लीजिए, आपको बनाने में मजा आएगा। तो इधर से 2 तो A11 हेकरो स्थान पर A12, हेकरा स्थान पर कितना होगा A13, नीचे से क्या होगा 21 ना, A21 A22 और A कितना होगा A23 होगा। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता होगा कि ये आपको आराम से, कोई भी कहे कि 3×2 या 3×3 या 3×3 जो भी कहे 4 कोटि की व्यूह की रचना करे, आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप डेट ये भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और देखेंगे दोस्तों अब आपको व्यूह के प्रकार बता दे रहे हैं, व्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जानते हैं। व्यूह के प्रकार में सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्ग व्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं वर्ग व्यूह क्या होता है। ऐसा तो व्यूह नहीं, बड़ा सुंदर व्यूह है वर्ग व्यूह, इसलिए मैंने सुंदर बोले कि इसमें जितना पंक्तियों की संख्या होता है ना उतना ही स्तंभों की संख्या होता है, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर जानते हैं क्या होता है, स्तंभों की संख्या होता है। अब देखिए ना यहाँ पर कोई व्यूह ले ले 1, 2, 2, 1 हम आपसे पूछ दे कि बताइए वर्ग व्यूह है कि नहीं, तो बताइए वर्ग व्यूह है कि नहीं है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कौ गो है 2 है और स्तंभों की भी संख्या कौ गो है 2 है, तो ये व्यूह क्या होगा वर्ग व्यूह होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो ये ऐसे व्यूह को क्या कहेंगे वर्ग व्यूह कहते हैं। और देखिएगा ये तो समझ में आ गया, दूसरा देखिएगा क्षैतिज व्यूह, क्षैतिज व्यूह जानते हैं दोस्तों, इसको अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है, देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, यानी जो क्षैतिज व्यूह होता है इसमें क्या होता है कि जो पंक्तियों की संख्या होता है ना स्तंभों की संख्या से कम होता है। इसमें क्या होगा कि जो पंक्तियों की संख्या होता है स्तंभों की संख्या से कम होता है, तो ऐसे व्यूह को क्या कहते हैं क्षैतिज व्यूह कहते हैं। और भी एग्जाम्पल 1, 4, 3, 2, 1, 3 इसमें भी देखिए पंक्तियों की जो संख्या है 1, 1, 2 है, इधर से 3 हुआ है, मतलब इधर से एक क्या है ए वाला इधर से कम है, तो यानी इसमें क्या है पंक्तियों की जो संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो ए व्यूह क्षैतिज व्यूह कहलाता है। आयकरे एगो उल्टा होता है, देखेंगे इसको मैं मिटका दे रहा हूँ। अब हम आगे जानेंगे उदर्ग व्यूह, ए जानते हैं ये क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, ये जानते हैं क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से व्यूह मिलता है आपको देखने को 1, 2, 2, 3, 4, 3 इसमें जानते हैं क्या होता है,
जो पंक्तियों की संख्या होता है ना स्तंभों की संख्या से अधिक होता है, यानी वह आव्यूह जिसमें यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। और पंक्ति आव्यूह, और भी आगे देखिएगा, पंक्ति आव्यूह यानी एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आव्यूह ए बराबर एक दो तीन, ये पंक्ति आव्यूह हो गया। उसके बाद होता है स्तंभ आव्यूह। तो जानते हैं दोस्तों स्तंभ आव्यूह क्या है? एक स्तंभ वाले आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ये स्तंभ आव्यूह हो गया। और एक और आपको बता दूं, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह यानी वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे लेट, यहाँ पर ए बराबर जीरो 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 लिख सकते हैं, तो ये कौन सा आव्यूह है? शून्य आव्यूह है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आव्यूह क्या है, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की कोटि की रचना और आव्यूह के प्रकार अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों एक वीडियो और इस पर, जैसे थ्योरम बताएं तो एक और वीडियो थ्योरम का बताएंगे, अगला दिन बना देंगे वीडियो। उसके बाद एनसीईआरटी का किताब से मैं 12वीं क्लास का मैट्रिक्स का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। और केवल मैथ नहीं, फिजिक्स भी लाइन से मैं पढ़ा रहा हूँ, और लाइनें से आपको पढ़ाना है एनसीईआरटी बुक से। तो आप अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, आव्यूह में कुछ आप सीख लिए होंगे जो आपको समझ में आता होगा कि पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ क्या है। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा ना दोस्तों, तो आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।